हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी विद ख्वाहिश राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम चार नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए जंपसूट बनाएंगे। जंपसूट बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। देखिए, इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 7.5 इंच रखी है। ये देखिए, अब हमें इसे यहाँ पर एक फोल्ड ऐसे देना है और यहाँ पे ऐसे करते हुए हमें पास पास में सिलाई दे देनी है। तो चलिए सिलाई दे देते हैं। हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है, अब हमें इसे सीधा कर लेना है। हमने देखिए सीधा करके ले लिया है, अब हमें इलास्टिक लेनी है। ये देखिए, ये हमने इलास्टिक ली है। इलास्टिक को हमें 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है। हमने देखिए यहाँ पे निशान लगा के ले लिया है। अब हमें सीजर की हेल्प से इसे काटना नहीं है, सिर्फ ऐसे अंदर की तरफ लेंगे और देखिए ऐसे करते हुए हमें इसे अंदर की साइड पर डाल लेना है। देखिए, हमारी इलास्टिक अंदर की साइड आ गई है। अब हमें इसे यहाँ पे देखिए कॉर्नर पॉइंट पे करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 2 से 3 सिलाई दे देंगे यहाँ पे ऐसे। हमने देखिए यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है। अब हमें इस इलास्टिक को यहाँ पे बिल्कुल देखिए बिल्कुल यहाँ पे कर लेंगे साइड में, और यहाँ पे पास पास में सिलाई देंगे। हमें इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं देनी है, तो इसे बिल्कुल पास में कर लेंगे। तो चलिए सिलाई दे देते हैं। हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है। अब हमें इलास्टिक को यहाँ से ऐसे बाहर की साइड खींचना है। ये देखिए, हमारा निशान आ गया है, जहाँ पे हमारा निशान था वहीं तक खींचना है। और देखिए, इसकी हमें यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे। अब हमें इसे यहाँ से ऐसे करते हुए इसे आगे कर लेंगे, और यहाँ पे हमें अच्छे से पकड़ना है, नहीं तो इलास्टिक वापस पीछे चली जाएगी और यहाँ पे 2 से 3 सिलाई दे देंगे। हमने देखिए यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है इलास्टिक के ऊपर में। हमारी इलास्टिक देखिए अंदर डल गई है। अब हमें इसे यहाँ पे ऐसे करते हुए देखिए यहाँ पे ऐसे करते हुए सिलाई देंगे, ऐसे 2 सिलाई देंगे। हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है। अब देखिए, हमें जहाँ पे सिलाई दी है वहाँ पे हमें हल्की सी कटिंग करनी है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे सिलाई के पास करेंगे और बिल्कुल हल्की सी ही कटिंग करनी है। देखिए, हमने बिल्कुल 2 पॉइंट पे ही कटिंग किया है। अब जो ये वाली साइड है, इसमें भी हमें इतनी सी ही कटिंग करनी है। यहाँ पे देखिए सिर्फ ऐसे कट देना है सीधा। हमने यहाँ पे कट लगा के ले लिया है। अब देखिए, जो दोनों कटिंग है उन्हें हमें यहाँ पे ऐसे करते हुए मिला देना है, और यहाँ पे हमें ऐसे सिलाई दे देनी है। तो चलिए सिलाई दे देते हैं। हमने देखिए यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है। अब जो ये हल्का हल्का सा यहाँ पे देखिए ऐसे कट दे देंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा ही कट देना है हमें। हमने यहाँ पे कट लगा के ले लिया है। अब हम पैंट को सीधा करेंगे। हमने देखिए इसे सीधा करके ले लिया है। पैंट बनके रेडी हो गई है। अब हम टॉप रेडी करेंगे। देखिए, टॉप बनाने के लिए हमने ये पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है, लंबाई हमने इसकी 9.25 इंच रखी है। अब हमें इसे यहाँ पे देखिए एक फोल्ड ऐसे देना है, सेकंड फोल्ड ऐसे, और फिर से एक फोल्ड ऐसे देंगे, और इसमें हमें यहाँ पे देखिए एक साइड पे सिलाई दे देंगे। हमने देखिए यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है। हमारी पट्टी बनके रेडी हो गई है। हमें इसके 2 पीस कर लेने हैं। हमने इसके 2 पीस करके ले लिए हैं। अब एक बार इन्हें साइड में करते हैं। अब देखिए, हमें ऐसा व्हाइट कलर का
फैब्रिक लेना है जिसकी लंबाई हमने 3.5 इंच रखी है, चौड़ाई हमने इसकी 1.5 इंच रखी है। देखिए इसे हमें यहाँ पे ऐसे फोल्ड देना है। यहाँ पे एक सिलाई ऐसे देंगे और एक सिलाई ऐसे देंगे। देखिए जो ओपन साइड है वहाँ पे सिलाई नहीं देंगे, यहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ले लिया है, अब हमें इसे सीधा कर लेना है। हमने देखिए सीधा करके ले लिया है। अब जो ये पट्टी है देखिए, जो साइड पे हमने सिलाई दी थी उसे यहाँ इधर की बाहर की साइड रखेंगे और इसे हमें यहाँ पे ऐसे करते हुए देखिए सिलाई की हेल्प से यहाँ पे ऐसे अटैच कर लेना है। इसमें भी देखिए जो सिलाई है वो वाली साइड बाहर की साइड रखेंगे और इसमें हमें यहाँ पे ऐसे रखते हुए दोनों को देखिए यहाँ पे ऐसे सिलाई की हेल्प से अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे अटैच करके ले लिया है दोनों पीस को। अब हम पैंट लेंगे। देखिए पैंट के बीच में हमें इसे यहाँ पे ऐसे करते हुए देखिए जो पैंट है उसके इलास्टिक को पहले ऐसे खींचेंगे और फिर हमें इसे यहाँ पे ऐसे रखते हुए अटैच कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। हमने देखिए पैंट के साथ में टॉप को अटैच करके ले लिया है। हमारी ड्रेस बनके रेडी हो गई है। साथ में हमने देखिए इसके प्यारी सी कैप बनाई है। कैप का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसमें मैंने 2 तरीके की कैप बनाना बताया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।